शिवपुरी के कुलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंध और गुंजारी नदी के बीच बने रपटे पर पानी बढ़ने से तीन लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। स्थानीय रहवासियों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। टापू पर फंसे बादल जाटव ने कहा कि 9 सितंबर को हम मेले में हाट लगाने के लिए निकले थे, लेकिन सिंध नदी पर बने रपटे पर अचानक बढ़े पानी की वजह से उसे पार नहीं कर पाए। वहां टापू पर बने मंदिर में जाकर बैठ गए। सुबह जब देखा तो दोनों ही नदियों का जलस्तर और बढ़ गया, जिसे देखकर हम लोग काफी डर गए थे। पानी कम था उसमें थोड़ा से, ठीक है, उसमें निकल आया हम, ठीक है। अब इसमें का ज्यादा था, हाँ। तो हमने इसमें चल के देखा, हाँ। तो मतलब ज्यादा पानी है, तो हाँ। थोड़ा बहुत मतलब नदी है, थोड़ा तेज थी, हाँ। हमने सोची मिलकर आराम कर लें, घंटे दो घंटे, रात के तो 2:30 बजे रहे, हाँ। हमने गाड़ी रोक के, हाँ। आराम करने लगे, हाँ। अब सुबह हुआ तो उधर की नदी भी ज्यादा हुई, इधर की भी ज्यादा हुई। कितने लोग थे आप कुल? तीन लोग, तीन लोग, चार लोग थे, एक लोग तो निकल गया था। अच्छा, यह नदी सिंध नदी दो भागों में बटी हुई है। एक भाग में बीच में ऋषभ माता का मंदिर है, वहाँ कुछ लोग दुकान वगैरह लगाने आते हैं, तो ऐसी जानकारी लगी थी। वो लोग कल से आए हुए थे और यहाँ आकर के रुके हुए थे, अभी सुरक्षित हैं। उनसे मेरी बात भी हो गई है, आपके माध्यम से भी हुई है, वैसे भी मेरी बात हो चुकी है। दूसरी तरफ से हमने थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार मैडम को वहाँ से भेजा है। वहाँ पे जो सरपंच है, उस साइड बन चुकी सरपंच, वो भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनके निकलने की सारी व्यवस्था हो गई है। हमारी रेस्क्यू पार्टी भी रवाना हुई है, लगभग आधी दूर पे आ गई है,